अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसको खाने के बाद आपको इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा ना, ये कि आप भी हैरान रह जाएंगे कि इतने थोड़े से चिकन में हमने इतना सारा चीज़ पाई है, वो कैसे तैयार हुआ। बहुत आसानी से बनता है, बहुत कम टाइम में बन के तैयार होता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है, बिल्कुल आधा किलो पैन में उसे ऐड कर देंगे। साथ में 1 टेबल स्पून मैंने इसमें बिल्कुल हरी मिर्च की चटनी, थोड़ा सा उसमें लहसुन था, थोड़ा सा उसमें हरा धनिया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें बिल्कुल हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच इसमें बिल्कुल मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है और 1 छोटा चम्मच नमक ऐड किया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पे आप देख सकते हैं बॉईल इस तरीके से आ रहा है, चिकन जो है अपना पानी जो है छोड़ रहा है। बिल्कुल इस तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद हम इसे ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक हमारा चिकन जो है वो टेंडर नहीं हो जाता। बहुत जल्दी से चिकन बन के तैयार हो जाता है, तो हमें इसे प्रेशर कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसे किसी नॉर्मल से पैन में बना सकते हैं। 5 से 7 मिनट में चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो हमने इसमें मसाला इसके लिए ऐड किया ना कि हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल फीका फीका सा ना रहे, थोड़ा चटपटा बने। तो बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसे किसी फोक की मदद से श्रेड कर सकते हैं या फिर हाथों की मदद से भी इसका रेशा निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल चिकन को मैंने रेशा निकाल लिया, बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने श्रेड कर लिया और काफ़ी हद तक ये चटपटा लग रहा था। 1 कटोरी मैंने इसमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज को ऐड किया है। प्याज का जितना भी पानी था उसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था, उसके बाद इसे ऐड किया है। अब बिल्कुल इसमें मैंने हरा धनिया चॉप करके ऐड किया, इससे फ्लेवर बहुत। 1 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और नमक बिल्कुल इसमें आधा छोटा चम्मच मैंने ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। चिल्ली फ्लेक्स मैंने ऐड किया 1 छोटा चम्मच और बिल्कुल ये मेयोनीज मैंने लिया है, तो 5 से 6 टेबल स्पून इसमें मेयोनीज ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेयोनीज में भी नमक होता है, तो हम इसमें नमक बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हर स्टेज पर ऐड करेंगे। और नमक आप बिल्कुल बीच बीच में टेस्ट भी करते रहना ताकि ये बहुत ज़्यादा नमकीन ना बन जाए, क्योंकि बाहर से हम मेयोनीज लेते हैं, बाहर से हम चीज़ लेते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा नमक होता है। तो नमक बिल्कुल आप अकॉर्डिंग जितना टेस्ट का चाहिए उतना ऐड कीजिएगा। आप सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए सारी चीज़ें इवनली। अब एक मैंने चीज़ का क्यूब ले लिया है, आप चाहे तो मौजूद जो भी चीज़ आपको पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं, स्लाइस भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल इस तरीके से क्यूब्स को अच्छे से ग्रेट कर लिया था, इसे ऐड कर दिया। अब इसमें भी चीज़ में भी नमक होता है, तो नमक बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। वैसे कि ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। आधा किलो चिकन का रेशो था और उसमें सारी चीज़ें मिलाने के बाद इसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा। अब ब्रेड को ले लेंगे। ब्रेड को हम कट करने के लिए किसी कटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल ग्लास का इस्तेमाल किया, जिसका जिसका एजेस जो है ना वो बिल्कुल शार्प होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से। किनारी अच्छे से शार्प होगा ना, उससे बहुत अच्छी तरीके से कट होता है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से कट हो गया और जो किनारी है वो बिल्कुल बाहर आ चुकी है। बिल्कुल इस तरीके से सर्कुलर शेप में मैंने बनाए हैं, आप चाहे तो स्क्वायर में भी बना सकते हैं। तो सारे ब्रेड को मैं अच्छी तरीके से कट कर लूँगी और एजेस जो जितने भी हमारे जो किनारे निकले ना उसे भी हम फेंकेंगे नहीं, उसका बहुत अच्छा सा यूज़ करेंगे और जो कि हमें इस रेसिपी में लगने भी वाला। अब बिल्कुल हमने जो भी बैटर अपना तैयार कर लिया था उसे हम थोड़ा थोड़ा सा लेके ब्रेड के जो हमने स्लाइस को कट कर लिया था ना उसमें ऐड कर देंगे। तो 1 टेबल स्पून या 1/2 टेबल स्पून या 1 टीस्पून जितना आपको क्वांटिटी चाहिए उस हिसाब से आप लेके अच्छे से उसे सारे किनारों तक स्प्रेड कीजिए और इसे इस तरीके से हम तैयार करेंगे। अब इसके ऊपर हम एक और ब्रेड का स्लाइस रखेंगे जो हमने सर्कुलर शेप में ऐड किया था, उसे इस तरीके से पाई के शेप में बनाएंगे, जैसे डोरा केक होता है या फिर पाई होता है, बिल्कुल उस तरीके से हम बनाएंगे। और अच्छी तरीके से इसे हाथों की मदद से प्रेस करेंगे ताकि एक दूसरे में स्टिक हो जाए। सारे मैंने इस पाई को मैंने बना के तैयार कर लिया, बिल्कुल सारे तैयार हो चुके हैं मेरे स्नैक्स को। कैसे अब इसे हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ बाइंड रखेंगे, तो उसके लिए हमें बाइंडिंग बनाने की ज़रूरत है। तो मैंने इसमें 2 कप मैदा लिया है, उसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक ऐड किया है, 1 छोटा चम्मच रेड चिल्ली फ्लेक्स ऐड किया है और 1 अंडा ऐड किया है। सारे चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें पानी डाल के अच्छे से इसका घोल बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी का हम इसमें घोल बनाएंगे। तो मैंने बिल्कुल 1 कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल 1 कप जितना भी मैंने पानी लिया था सारा पानी इसमें ऐड, मैंने अपने बैटर को तैयार कर लिया था और ये घोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो बिल्कुल बैटर तैयार हो चुका है और जैसे कि मैंने आप लोगों से ये कहा था कि ब्रेड के जो स्लाइसेस है उसके हम क्रम्स बनाएंगे, तो आप चाहे तो डायरेक्टली भी इसे मिक्सी ग्राइंड में ग्राइंड कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। लेकिन इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम जितना हो सके ना इसे ऐसा बनाएं कि हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैंने एक पैन में सारे किनारों को इस तरीके से डाल दिया था और इसे 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छी तरीके से चला चला के थोड़ा सा हार्ड कर लिया, इसे अच्छे से सेक लिया था।
ना इसमें ऑयल लगाएंगे ना इसमें हम कोई भी घी बटर कुछ नहीं, बट ड्राई इसे हम रोस्ट करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो इसकी जो शेल्फ लाइफ है ना बिल्कुल बढ़ गई, आप 6 महीने के तक इसे बाहर भी रख सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब एक एक करके हम पाई लेंगे, उसको सबसे पहले घोल में ऐड करेंगे, अच्छे से उसे झटक लेंगे एक्सेस जितना भी घोल है उसको। उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे, अच्छे से प्रेस कर करके अच्छी तरीके से किनारों के साथ हम इस तरीके से पाई को हमारे अच्छे से ब्रेड क्रम्स के साथ बाइंड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छे से इसमें स्टिक हो जाएगा। और ब्रेड क्रम्स से क्या होता है, बहुत अच्छे से ऊपर का जो हिस्सा होता है ना बहुत अच्छे से क्रंची बनता है और अंदर से सॉफ्ट। बिल्कुल इस तरीके से सारे हम अपने स्नैक्स को तैयार कर लेंगे। बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, आप इसे नॉर्मली भी हमेशा अपने घर पर बना के रख सकते हैं, जब भी आपका मन करे बस निकाले फ्राई कर लिया। बिल्कुल इस तरीके से सारे स्नैक्स को मैं तैयार कर लूँगी, बहुत आसानी से बहुत झटपट बनता है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि उनका जो फेवरेट है ये बिल्कुल डोरा केक और बिल्कुल चोको पाई जैसा बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो ये शेप में आप बना के इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल चीज़ पाई बन के हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे बिल्कुल इस तरीके से आप क्या करिए, इसे अच्छे से इस तरीके से प्लेट में लगा के हम इसे फ्रीज में रखेंगे 1 से 2 घंटे के लिए, या फिर आप चाहे तो बहुत ज़्यादा आपका फ्रिज अगर कूलिंग करता है तो आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, बस वो सेट हो जाए। उसके बाद हम किसी एयर टाइट कंटेनर में उसको अच्छी तरीके से सेव करके रख देंगे रमज़ान के लिए। तो बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे जो बॉक्स में सिर्फ 2 ही पाई आया था, तो मुझे ऊपर भी रखना था, तो वो ऊपर अगर रखने से ना वो स्टिक हो जाता था एक दूसरे के साथ, तो मैंने बिल्कुल एक क्लीन पॉलीथीन रखी है छोटे छोटे पीसेस में कट करके। आप चाहे तो क्लीन रैप का भी इस्तेमाल कर सकते। इस तरीके से मैंने सारे अपने चीज़ पाई को इस तरीके से होल्ड करके अच्छे से एक एयर टाइट कंटेनर में मैंने इसे सेव कर लिया था रमज़ान के लिए। तो आप चाहे तो जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं, बस ये है कि एक दूसरे के ऊपर कुल ना रखें, थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ रखें ताकि वो एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो। तो बिल्कुल इस तरीके से हमने इसे सेव कर लिया है अपने रमज़ान के लिए, और बिल्कुल मैं आप लोगों को फ्राई करके भी दिखाऊंगी कि इसका जो टेस्ट है इसका जो टेक्सचर है वो कैसा लगता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये बिल्कुल मज़ेदार वाली रेसिपी को आप ज़रूर बना के रमज़ान के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैंने बिल्कुल 1/2 kg चिकन से मैंने एटलीस्ट 20 पाई जो है वो अपना बना के तैयार किया है। आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, बस मीडियम फ्लेम पर इसे हम पकाएँगे, लाइट गोल्डन फ्राई हो जाए बस इस तरीके से कोटिंग। बिल्कुल 2 चिकन की चीज़ पाई मैंने बना के फ्राई किया है, और बिल्कुल ये आप लोगों के लिए ताकि आप लोग देख सकें कि इसका जो टेक्सचर है इसका जो कलर है वो कितना अच्छा आया है। टेस्ट तो आप लोग बिल्कुल नहीं देख सकते क्योंकि टेस्ट तो मैंने खुद नहीं किया है, बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। मैंने सारे रख दिए रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ान में जो है ना बहुत काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये सब चीज़ें नहीं हो पाती है, तो मैंने सोचा कि नई रेसिपी आप लोगों के साथ ट्राई करूँ। इसे हम अच्छे से आराम से निकाल लेंगे और इसे बिल्कुल आप सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, मेयो के साथ, सॉस के साथ, जैसा आप पसंद करते हैं बिल्कुल वैसा। और बिल्कुल ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रमज़ान के लिए ज़रूर स्टोर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो काम है बहुत आसान होने वाला है। आप देख सकते हैं मैंने फीलिंग भी बहुत अच्छे से उसमें भर भर के डाली है, ऐसे नहीं कि मैंने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं किया। बिल्कुल इस तरीके की मज़ेदार सी रमज़ान रेसिपी देखने के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट रेसिपी आप तक पहले पहुँचे। बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।